अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारा न्यूज़ चैनल में आपसी भाई का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग हमारे प्यारे भाई। अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी अरब की लेटेस्ट न्यूज, जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट, और सऊदी सवजात के तरफ से भी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है आप लोगों के लिए। जो लोग अभी सऊदी अरब से इंडिया पाकिस्तान छुट्टी पर आए हैं उनके हवाले से ज़रूरी अपडेट होगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर ही देखिएगा ताकि आपको पूरी अपडेट की जानकारी सही और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, फिर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे। चले सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा उर्दू न्यूज़ की स्क्रीनशॉट है जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग अभी इंडिया पाकिस्तान से जो कि सऊदी अरब आ रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद, तो उनके हवाले से ज़रूरी अपडेट है। अपडेट आप सुनते चलिए। जैसे कि अगर आप सऊदी अरब आने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको दोनों कोरोना का वैक्सीन लगी हुई होना चाहिए। उसके बाद आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे आप 14 दिन क्वारंटाइन होते हैं, उसके बाद फिर आप सऊदी अरब आते हैं। उससे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मुकीम ऐप पर जा करके अपना आपको खुद को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जी हाँ मेरे भाई, पासपोर्ट विभाग की तरफ से अपडेट आया था, हमने सोचा आप सारे भाई को मैं बताता चलूँ क्योंकि इसके हवाले से अपडेट आते रहता है, बहुत सारी जानकारी आती रहती है लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। अगर जो लोग अभी मान लो अगर जिन मुल्कों से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चली है उन मुल्कों से अभी मान लो सऊदी अरब अभी अब आ रहे हैं तो इस तरीके से जो कि आप सऊदी अरब आ सकते हैं, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ करना आपको ज़रूरी इसलिए होगा ताकि सऊदी गवर्नमेंट को भी पता चल सके, जो लोग वैक्सीनेशन लोग हैं वैक्सीनेशन करके लोग सऊदी अरब में अभी आ रहे हैं उनको खैर कोई भी दिक्कत नहीं किया जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर। चलिए इसका साथ और अपडेट की जानकारी लेते हैं। सऊदी अरब के कोरोना का अपडेट जो कि आप देख सकते हैं 28 अक्टूबर का अपडेट है। सऊदी अरब में आज जो न्यू कोरोना का केस निकले हैं 51 न्यू केस निकले हैं, 35 लोग जो कि ठीक हुए हैं, बाकी 3 लोगों की सऊदी अरब के अंदर आज भी मौत हुआ है। बाकी आईसीयू में जो रखा गया उनको भी आप देख सकते हैं 59 केस जो कि आईसीयू में रखा गया, इनकी हालत समझे तो थोड़ी सी नाजुक है। खैर इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो बहुत ही जल्दी ये लोग जा करके जो कि बाहर निकल करके आ जाएंगे। खैर इंशाल्लाह इन लोगों के लिए आप लोग जरूर ही दुआ कीजिएगा। चलिए इसी के साथ और अपडेट की जानकारी ले लेते हैं। ये अपडेट आपको जानना जरूरी है जो कि इसका भी स्क्रीनशॉट लाऊं जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आप इंडिया पाकिस्तान से कहीं पर भी जा करके अगर बाहर मुल्क में काम करते हैं, अगर कोई काम का अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो जिम्मेदारी आप पूरा नहीं करते हैं उस वक्त पर आप जो कि आपको जो कि जा करके सज़ा भी हो सकती है। जी हाँ मेरे भाई, तो एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा ही किया ओमान के अंदर जो कि पूरा काम नहीं करने के वजह से जो कि इस व्यक्ति को समझे तो 3 महीने के लिए जेल कर दिया गया। तो अगर आप लोग बाहर मुल्क में अगर कोई काम करते हैं जिस काम के लिए अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं उस काम को आप लोग जरूर से ज़रूर पूरा कीजिए वरना आपको भी ये सज़ा हो सकती है। चलिए इसी के साथ और अपडेट की जानकारी ले लेते हैं। टिकट के हवाले से अपडेट है, अगर जिनको भारत से ओमान जाने के लिए डायरेक्ट एयर इंडिया फ्लाइट की अगर टिकट बुकिंग कराना है वो लोग डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के इंडिया से ओमान जा सकते हैं। बाकी ओमान में जाने के लिए बहुत सारे लोगों को ले समझिए तो जो लोग कोवैक्सीन लगाए हैं वो लोग भी डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के ओमान में अभी जा सकते हैं। अगर जिनको जाना होगा ओमान के अंदर तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की आप डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के जो कि ओमान के अंदर जा सकते हैं, इंशाल्लाह कोई भी दिक्कत खैर नहीं होगा। चलिए इसी के साथ और अपडेट की जानकारी ले लेते हैं। सऊदी सवजात की तरफ से इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि एक व्यक्ति ने सऊदी सवजात से सवाल किया जा करके कि अगर हम मान लो सऊदी अरब से इंडिया पाकिस्तान छुट्टी पे आए हैं किसी भी कारण से वापस हम सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं, नहीं जा रहे हैं, हमें 2 साल हो गया 2.5 साल हो गया, तो क्या कफ़ील हमें हरूफ अभी लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। इसके हवाले से आप लोगों की समझे तो बहुत सारे कमेंट आते रहता था और सऊदी सवजात की तरफ से अपडेट भी आ गया। तो सऊदी सवजात ने ये जानकारी दिया है कि अगर सऊदी अरब से आप मान लो अगर छुट्टी पे गए हैं, आपके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपके ऊपर मान लो कानूनी कार्रवाई नहीं है, तो आपको कफील जो कि हरूफ सऊदी अरब से नहीं लगा सकता। जी हाँ मेरे भाई, हरूफ उस वक्त लगा सकता है कि अगर आप सऊदी अरब में कोई भी अगर आप गलत काम करते हैं, कफील मान लो अगर आपको देख लिया, कफील आपको अगर वहां से भगाने के लिए चाहेंगे तो किस तरीके से भगा सकते हैं, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएगा, कोई हरूफ में डाल देगा, फिर आपको समझे तो 2 साल के लिए 3 साल के लिए 5 साल के लिए बैन कर देगा उस वक्त जो कि हरूफ लगा करके जो कि आपको भेजा जाएगा, वरना फिर आप अगर छुट्टी पर आए हैं इंडिया तो आपके ऊपर हरूफ नहीं लग सकता है किसी भी तरीके से। बहुत सारे लोगों को इस तरीके के जो कि अपडेट और सवाल आते रहता था। खैर इस चीज़ के लिए आपको कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, अगर आप छुट्टी पे आए हैं तो
आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी केस नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, तो आपको कफील जो कि सम्मिलित हो रूप में नहीं डाल सकता। जी हाँ मेरे भाई, बाकी छुट्टी पे आए हैं तो खैर नॉर्मली तरीके से जब जी चाहे तो आप जा सकते हैं। बाकी वाया होकर के लोग भी अभी सऊदी अरब में पहुंच रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट अभी तक नहीं खुली है। इंडिया से सऊदी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट कब तक खुलेगा उसके हवाले से कोई भी जो कि ऑफिशियली अपडेट सामने नहीं आया है। खैर इंशाल्लाह इस तरीके अगर कोई भी फ्लाइट से रिलेटेड अगर अपडेट आता है, ज़रूरी अपडेट जो कि इंडिया से सऊदी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट खुल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि अभी परेशान हैं, मान लो उस तरीके के लोग जो लोग अभी वैक्सीनेशन करा करके लोग इंडिया में बैठे हैं, उन लोगों के लिए कम से कम बहुत सारे मुल्कों ने जैसे कि फ्लाइट खोल दिया। अभी मेन जो कि समय तो इंडिया और सऊदी के बीच में फ्लाइट के ऊपर पाबंदी अभी तक लगी हुई जो कि है, अभी तक नहीं खुली है। जी हाँ मेरे भाई, बाकी आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सऊदी अरब का रियल खबर आपको इसी चैनल पर मिलेगा। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।